नमस्कार दोस्तों, मैं कनिष दत्ता आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल केडी गार्डन में। आज के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने घर पे समर की वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, अपने घर की ऑर्गेनिक चीज़ें। तो आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सीज़न स्टार्ट हो चुका है समर का, और समर की जो वेजिटेबल्स हैं उनको उगाने का जो है टाइम आ चुका है। 15 फरवरी से जो है सीडलिंग स्टार्ट होनी है। सबसे पहले नंबर पर जो मैंने ली है, ये आप देख सकते हैं भिंडी, जिसको ओकरा भी कहा जाता है, और ये जो है बहुत ही आसानी से उगने वाली एक वेजी है। हमारे घर में जो है इसके आप बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं। इसको आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं, इसको 8 इंची गमले में भी लगाएंगे तो उसमें भी ये फल दे देगा। इसको लास्ट ईयर मैंने भी लगाया था तो उसमें भी बहुत सारी भिंडी आई थी। इसमें 2 से 3 महीने का जब प्लांट होता है, जब इसमें भिंडी आने लगती है, फर्स्ट नंबर पर आप इसको बहुत आसानी से जो है उगा सकते हैं। इसमें कोई एडिशनल कोई स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड नंबर पर जो हमारी चीज़ आती है, ये आप देख सकते हैं लौकी, जो हमारे घर में बहुत यूज़ होती है। इसको बॉटल गॉर्ड भी कहा जाता है, तो आप इसको भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं। ये जो सब्ज़ी है ये एक बड़े पॉट में लगने वाली सब्ज़ी है, क्योंकि इसकी जो है बेल बनती है और इसके जो है फल भी बहुत बड़े बड़े आते हैं। इसलिए आप इसको किसी बड़े पॉट में लगाएं, इसको आप 12 इंची के पॉट में, नहीं तो आप 12 से ऊपर के पॉट में लगाएं, जिससे कि अच्छे से इसकी रूट डेवलप हो और इसको जो है अच्छे से फ्रूट भी लगे। इसमें आप थोड़ी सी जो है फर्टिलाइज़र ज़्यादा मिलाएं, और जो है इसमें आप खाद भी ज़्यादा मिलाएं, और इसको आप जो है पानी ज़्यादा दें, क्योंकि जितनी भी बेल वाली सब्ज़ियाँ होती हैं हमारी, उनको जो है पानी ज़्यादा दिया जाता है। और गर्मियों में जो है सब्ज़ियों को पानी ज़्यादा देना ही पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे तो हमारा जो है फल भी अच्छा आता है। इसको आप रेगुलर वाटरिंग ना करके, बट इसको जो है वाटरिंग की ज़रूरत होती है ज़्यादा ही। जो हमारी थर्ड नंबर पर चीज़ आती है, ये आप देखेंगे तो आप ये बहुत आसानी से जो आपको बाज़ार में ही मिलने वाली चीज़ है, इसको बोलते हैं कोकुम्बर, जिसको हम खीरा कहते हैं। इसको जो है खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सैलेड में इसका बहुत ही अच्छा जो है यूज़ है, और ये बहुत ही अच्छा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी। आप इसको भी उगा सकते हैं। ये भी जो है एक बेल वाली सब्ज़ी है। सर गर्मियों में क्या होता है, ज़्यादातर जो है बेल वाली सब्ज़ियाँ आपको उगाने को मिलेंगी। इसको आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसको भी आप किसी बड़े गमले में लगाएं, और ये भी जो है थोड़ा ज़्यादा पानी मांगती है। इसकी भी जो है सब्ज़ी जो है थोड़ा ज़्यादा पानी मांगती है ये भी। इसको भी आप बड़े गमले में लगाएं, 12 से 14 इंची के पॉट में लगाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, अच्छे से फल भी आएंगे उसके अंदर। अब आप देख सकते हैं जो है वाटरमेलन, जिसको हम तरबूज कहते हैं, इसको भी आप जो है गर्मी में उगा सकते हैं, और ये भी बहुत आसानी से जो है उगने वाली वेजी है। किसान जो है इसको बहुत उगाते हैं, क्योंकि इसकी जो है प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, और इसको जो है लोग ज़्यादा खाते हैं, इससे जो है पानी की कमी दूर होती है। और इसको आप भी अपने घर पे जो है उगा सकते हैं। इसको खाने के लिए आप ध्यान रखें कि बड़े पॉट में लगाएं, नहीं जो आप टब में लगाएं, जिससे कि अच्छे से रूट डेवलप हो और उसका फल जो है थोड़ा भारी होता है। इसलिए आप इसको जो है थोड़ा ध्यान से लगाएं, इसकी बेल को ध्यान से चलाएं। गर्मियों की सब्ज़ी जो होती है बेल वाली, उन पर आप जो है 3G 4G कटिंग करके जो है ज़्यादा फल ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारी सब्ज़ी आती है वो है मस्क मेलन, जिसको हम खरबूजा कहते हैं। इसको भी आप अपने घर पे उगा सकते हैं, और ये भी जो है मार्केट में बहुत ही आसानी से प्रोवाइड होने वाली चीज़ है। जो भी आप कोई भी सीड लगाएं, सब्जी का लगाएं, फ्लावर का लगाएं, तो आप हाइब्रिड सीड लगाइए, क्योंकि हाइब्रिड सीड से क्या होता है हमारे फल अच्छे आते हैं और जल्दी फल आते हैं, जिससे कि हमें प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है और जो है हमें अच्छे फल भी मिलते हैं। आप इनको जो है बड़े पॉट में लगाएं, इन पर 3G 4G कटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी चीज़ आती है वो है तोरी। तोरी को भी आप अपने घर पे बहुत ही आसान तरीके से उगा सकते हैं, और इसको भी जो है गर्मियों में जो है लोग बहुत खाते हैं। ये सारी जो है गर्मी की वेजीज़ हैं, आप इनको जो है बड़े पॉट में लगाइए, जिससे कि अच्छे वेजिटेबल्स मिलें आपको, और उनको फुल सनलाइट वाले एरिया जो है प्रोवाइड करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।